इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है रूस के शहर बेलग्रेड से, वो आपको बता दें, जहां अचानक से ही धमाके की वजह से दहशत मच गई है। जानकारी के मुताबिक बेलग्रेड में एक ड्रोन में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आने से दो लोग जख्मी हो गए। इसके अलावा इस विस्फोट की वजह से वहां मौजूद कई कारों को भी नुकसान पहुंचा। बेलग्रेड के गवर्नर ने आशंका जाहिर की है कि यूक्रेन का ड्रोन हो सकता है, और जिसके हवा में फटने से बेलग्रेड शहर में जबरदस्त हड़कंप मच गया। रूस का आरोप यह है कि यूक्रेन ने उसके इलाके में घुसपैठ के इरादे से ये ड्रोन भेजा था, जो हवा में ही धमाके के साथ बर्बाद कर दिया गया। दावा इस बात का भी किया गया कि ये ड्रोन बेलग्रेड के आसमान में मंडराता हुआ अचानक से ही सड़क पर जा गिरा, जिससे वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ और काले धुएं का गुबार छा गया। बेलग्रेड के गवर्नर के मुताबिक इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन दो लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। इसके अलावा जहां ये धमाका हुआ वहां मौजूद कई कारों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। वहां से आई वीडियो में अचानक हुए धमाके के बाद कार में लगे सायरन बजते हुए सुनाई दिए। हालांकि अब तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि शहर के बीचों बीच फटे इस ड्रोन को किसने भेजा और ये किस मकसद से बेलग्रेड की सीमा में घुसा था। यूरोपीय देश मोल्डोवा में जारी यूरोपीय देशों की एक बैठक के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नेटो पर ही भड़क गए। उनकी मांग थी कि नेटो इस बात पर अपना रवैया साफ करे कि वो यूक्रेन को इस संगठन का सदस्य बनाएगा या फिर नहीं, ताकि यूक्रेन जंग में रूस से लड़ने के लिए अपनी आगे की तैयारी उसी हिसाब से कर सके। यूरोपीय देश मोल्डोवा में मौजूद यूरोप के 40 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के सामने जेलेंस्की ने नेटो से यूक्रेन की सदस्यता पर जल्द फैसला लेने की अपील की। इनविटेशन टू मेंबरशिप फॉर यूक्रेन इज नीडेड एंड द सिक्योरिटी गारंटीज ऑन द वे टू नेटो मेंबरशिप आर नीडेड। इसके अलावा उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन ने भी उन्हें अब तक संगठन में शामिल करने पर कोई फैसला नहीं लिया, जबकि यूक्रेन ने जंग की शुरुआत में ही ईयू में शामिल होने की अर्जी दे दी थी। इस बीच रूस ने यूक्रेन बॉर्डर के पास के शहरों से अपने बच्चों को निकालना शुरू कर दिया, ये जानकारी बेलग्रेड के गवर्नर ने दी। बेलग्रेड यूक्रेन की सीमा के पास बसा रूस का इलाका है, जहां कुछ हफ्ते पहले भयंकर जंग छिड़ी थी, और अब रूस को एक बार फिर वहां यूक्रेन के हवाई हमलों का डर सता रहा है, क्योंकि दो दिन पहले मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ था, जिसने रूस में खलबली मचा दी। यही नहीं, यूक्रेन ने रूस के बेलग्रेड में भी भारी गोलाबारी की। यही वजह रही कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर के पास वाले शहरों से बच्चों को निकालना शुरू कर दिया, और अब तक बेलग्रेड से 300 बच्चों को वरोनेज शहर पहुंचाया जा चुका है, जो रूस के दक्षिणी हिस्से में। बेलग्रेड से आने वाले दिनों में करीब 1000 और बच्चों को निकाला जाएगा। बेलग्रेड के गवर्नर ने बताया कि यूक्रेन बॉर्डर के पास वाले शहरों में हुई गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद चेचन ग्रुप को भी बॉर्डर के इलाकों से बच्चों को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके मीडिया ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के लिए पुतिन की सेना ने नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत रूस ने यूक्रेन की सेना पर कहर ढाने के लिए पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया, ताकि जंग के मैदान में जेलेंस्की की फौज को चारों खाने चित किया जा सके। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले कई महीनों से रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके पर कब्जे के लिए जंग लड़ रही है, लेकिन यूक्रेन के जोरदार पलटवार की वजह से रूसी सेना की हालत वहां खस्ता है। ऐसे में अब रूस के मीडिया ने यह दावा किया है कि पुतिन की सेना ने डॉनबास पर कब्जे के लिए नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज रूस से जो मिल रही है वो आपको बता दें, रूस के कर्स इलाके में यूक्रेन ने जोरदार ड्रोन अटैक किया है। रूस का दावा यह है कि उसने यूक्रेन के ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है। रूस के मुताबिक उसने इस दौरान यूक्रेन की तरफ से भेजे गए कई ड्रोन तबाह भी कर दिए। बताया ये भी जा रहा है कि ये हमला रात के वक्त हुआ। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने उसके इलाके में तबाही मचाने के लिए एक साथ कई ड्रोन भेजे थे, जिन्हें उसने आसमान में ही बर्बाद कर दिया। बीच रूस ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन में नरसंहार करवाने का आरोप लगाया। पश्चिमी देशों पर यह बड़ा आरोप रूस के विदेश मंत्री ने लगाया, जिन्होंने क्राइमिया और रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों पर हो रहे हमलों का जिक्र किया, और पश्चिमी देशों पर बरस पड़े। एक दिन पहले ही यूक्रेन के लुहांस्क में बड़ा हमला हुआ था। यही नहीं, रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या, खेरसोन और डोनेस्क पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री ने इन्हीं हमलों का जिक्र करते हुए पश्चिमी देशों पर निशाना साधा और बयान दिया कि पश्चिमी देश जेलेंस्की के प्लान में उसका साथ दे रहे हैं और जेलेंस्की की मदद कर यूक्रेन में नरसंहार करवा रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की की सेना अपने दम पर रूस की सेना से नहीं लड़ सकती, लेकिन पश्चिमी देशों से मिली मदद से जेलेंस्की की सेना जंग में डटी हुई है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर खुफिया फाइलें अपने पास रखी थीं, जिसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद ट्रंप बुरी तरह फंस गए। ट्रंप पर सीक्रेट फाइलें अपने घर ले जाने के आरोप लगे थे, और सबूत के तौर पर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने डोनाल्ड ट्रंप की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की, जिसमें ट्रंप चुनाव हारने के बाद कई खुफिया फाइलें साथ ले जाने की बात कह रहे हैं। CNN के मुताबिक ऑडियो में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर हमले की जानकारी वाली रक्षा विभाग की फाइलें अपने पास रखी थी।
हालांकि ट्रंप के प्रवक्ता ने इस ऑडियो को झूठ बताकर बाइडेन सरकार पर ट्रंप को परेशान करने का आरोप लगाया। 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके ट्रंप के लिए ये ऑडियो रिकॉर्डिंग और मुश्किलें पैदा करेगी। वो पहले ही रेप केस और मानहानि के मामले में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। और अमेरिका की वायुसेना के कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक से ही गिर पड़े, वो वहां वायुसेना के कार्यक्रम के दौरान सैनिकों को सर्टिफिकेट बांट रहे थे। और जैसे ही वो मुड़कर अपने कुर्सी पर बैठने के लिए उसकी तरफ बढ़े, उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़े। हालांकि उनके गिरते ही फौरन उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सहारा दिया और कुर्सी तक ले गए। बाइडेन के साथ हुए इस हादसे के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चिंता जाहिर की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ ये हादसा वायुसेना के एक कार्यक्रम के दौरान हुआ। हालांकि गनीमत रही कि उन्हें इस दौरान ज्यादा चोट नहीं आई। स्वीडन के नेटो सदस्य बनने की राह में तुर्की ने एक बार फिर अड़ंगा लगा दिया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होने वाली नेटो की बैठक में तुर्की के विदेश मंत्री ने जाने से मना कर दिया, जिसके बाद तुर्की और स्वीडन का विवाद खुलकर सबके सामने आ गया, क्योंकि कुर्द लड़ाकों की वजह से तुर्की स्वीडन पर भड़का हुआ है। तुर्की का आरोप है कि स्वीडन कुर्द लड़ाकों को फलने फूलने का अपना देश में पूरा मौका देता है और यही कुर्द लड़ाके तुर्की पर आए दिन हमला करते हैं। एक दिन पहले तो कुर्द लड़ाकों ने एर्दोगान के विरोध में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में झंडे फहराए थे, जिसके बाद तुर्की ने स्वीडन से उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन अब तक वो कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से तुर्की ने नेटो की अहम बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। इस बैठक में स्वीडन के नेटो सदस्य बनने पर फैसला होना है। बीच कनाडा सरकार ने फैसला किया कि सिगरेट के पैकेट की बजाय अब हर सिगरेट पर सेहत से जुड़ी चेतावनी छापी जाएगी। वहां की सरकार ये फैसला 1 अगस्त से लागू कर देगी और ऐसा करके कनाडा दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो हर सिगरेट पर सेहत से जुड़ी चेतावनी छापेगा। लोगों को सिगरेट से दूर रखने और इससे होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिए वहां के स्वास्थ्य विभाग ने ये फैसला लिया। 1 अगस्त से वहां बिकने वाली हर सिगरेट पर सेहत से जुड़ी चेतावनी अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाओं में लिखी जाएगी। कनाडा के स्वास्थ्य विभाग ने सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि हर सिगरेट पर छपी चेतावनी पर लोगों का ध्यान ज्यादा जाएगा। नए नियम के जरिए 2035 तक कनाडा में तंबाकू की खपत को 5% तक कम करने का लक्ष्य है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पहाड़ी का एक हिस्सा खिसक गया। मिट्टी और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई। पहाड़ खिसकने की घटना को वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे गिरता दिखा। पहाड़ से मिट्टी और पत्थर गिरने की वजह से वहां एक बड़े इलाके में धूल का गुबार छा गया। ऐसा लगा मानो धूल का बवंडर आ गया हो। पहाड़ी का हिस्सा गिरने से लिपुलेख तवाघाट सड़क पर करीब 100 मीटर का हिस्सा बंद हो गया। पहाड़ी का हिस्सा जहां गिरा वो धारचूला से लगभग 45 किलोमीटर ऊपर गुंजी की तरफ है। सड़क पर मलबा आने की वजह से धारचूला और गुंजी में लगभग 300 लोग फंस गए। हालांकि थोड़ी देर बाद ही प्रशासन की टीम ने मिट्टी हटाने वाली मशीन से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। बताया गया कि सड़क खुलने में कम से कम 2 दिन का समय लग सकता है। और चीन में बवंडर का कहर देखने को मिला। बवंडर ने चीन के लियोनिंग प्रांत के ग्रामीण इलाकों में तबाही मचाई है। बवंडर की वजह से कई लोगों को परेशानी हुई। 200 लोगों पर इस बवंडर का असर हुआ है। इमारतों को भी इस बवंडर ने नुकसान पहुंचाया। कुदरत के कहर की चपेट में आने से 13 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 60 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है।